नमस्कार दोस्तों, आज 6 अप्रैल है, तो चलिए हम लोग आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। हम लोग डिटेल्ड करंट अफेयर्स के साथ साथ में एमसीक्यू को भी सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे। बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की न्यूज़ को देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, नाटो की स्थापना हुई थी सन 1949 में और वर्ष 2024 में इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन के युद्ध बात लगातार नाटो चर्चा में रहता है, इसलिए नाटो से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको पता होने चाहिए। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, इसका मुख्यालय कहां है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देश इसके सदस्य हैं। तो ये आपको तथ्य याद रखना है कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के 30 सदस्य और उत्तरी अमेरिका के 2 देश जानते हैं, जिसमें अमेरिका और कनाडा है। तो कुल मिलाकर इस समय 32 देश नाटो के सदस्य हैं। नाटो में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम देश कौन सा है, तो स्वीडन है। स्वीडन 32वें नंबर का सदस्य देश है नाटो का। यह संगठन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका अर्थ है यदि किसी नाटो सदस्य देश पर कोई बाहरी देश हमला करता है तो इसे नाटो के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा शांतिकालीन सैन्य संगठन है। तो नाटो के संदर्भ में ये जितने भी तथ्य आपको बताए गए हैं इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है मल्चिंग से संबंधित। मल्चिंग एक प्रकार का खेती से संबंधित होता है और हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि लद्दाख का एक फे गांव है जहां पर किसानों ने मल्चिंग विधि के जरिए जैविक तरबूज उगाया है। आप जानते हैं जो तरबूज होता है एक जायद की फसल होती है और इसके लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, लेकिन लद्दाख एक शीतकालीन मरुस्थली क्षेत्र है, फिर भी यहां पर तरबूज उगाकर एक आश्चर्यजनक कार्य किया है लद्दाख के फे गांव के किसानों ने। और इस तरबूज को किस विधि के द्वारा यहां पर उगाया गया, तो मल्चिंग विधि के द्वारा। अब मल्चिंग के बारे में जान लेते हैं और यहां से एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्टर से पूछता रहा है। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग एक प्रकार की एग्रीकल्चर से संबंधित विधि है। इसके अंतर्गत मृदा की ऊपरी परत को पत्तियों, घास, टहनियों, फसल अपशिष्ट, पुआल आदि से ढक दिया जाता है। आप भी देखते होंगे कि कृषि को कभी कभी इस तरीके की घास, पत्तियों या जो भी फसल का अवशेष बचता है उससे ढक दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है कि सूक्ष्म और लंबे छिद्रों वाली मृदा संरचना का निर्माण होता है। इन छिद्रों के माध्यम से वर्षा का जल आसानी से मृदा में प्रवेश कर जाता है, इससे वर्षा जल का उपयोग सुनिश्चित हो जाता है। अब मल्चिंग विधि से जो खेती की जाती है उसके कई फायदे हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इससे मृदा का अपरदन रुकता है और साथ ही मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली न्यूज है नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का जो है सफल परीक्षण किया गया और यह परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इस परीक्षण को सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने किया है। अग्नि प्राइम एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 2 चरणों वाली कनस्त्रीकृत ठोस प्रौद्योगिक जो है मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है 1000 से 2000 किलोमीटर है। तो अग्नि प्राइम के बारे में ये तथ्य आप लोग जरूर याद रखना कि ये एक प्रकार की कनस्त्रीकृत ठोस प्रौद्योगिक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता कितनी है 1000 से 2000 किलोमीटर तक। यह अग्नि सीरीज की मिसाइलों का एक परमाणु सक्षम उन्नत संस्करण है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम आया था इसकी समाप्ति के बाद यह नई पीढ़ी की पहली मिसाइल है। अब यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, तो यह आया था 1983 में और इसके द्वारा कई प्रकार की मिसाइलें बनाई गई थी। इन्हें आप देख लीजिए, जैसे पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं जो अग्नि मिसाइल होती है यह मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है। त्रिशूल ये भी कम दूरी से कम ऊंचाई पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश मध्यम दूरी की सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है और नाग तीसरी पीढ़ी की एक एंटी टैंक मिसाइल है। ये आप लोग जरूर याद रखना, सतह से सतह मार करने वाली है या सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस तरीके की मिसाइलों को एक क्रम लगाकर जो है मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। तो जो अग्नि मिसाइल होती है ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इन तथ्यों को आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अग्नि प्राइम मिसाइल का प्रशिक्षण कहां से किया गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। किसके द्वारा? DRDO और सामरिक बल कमान के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसकी मारक क्षमता देख लीजिए, ठोस प्रौद्योगिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, यहां से स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी ये जो सारी मिसाइलें हैं और ये सतह से सतह या सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइलें हैं, इनके बारे में भी देख लीजिए। ये अग्नि प्राइम मिसाइल का यहां पर चित्र दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। अगली न्यूज है भारत का परमाणु ऊर्जा रोडमैप 2047 तक 1,00,000 मेगावाट वृद्धि का लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट इस तरीके के टारगेट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की योजनाओं के साथ भारत का लक्ष्य 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1,00,000 मेगावाट तक बढ़ाना है। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना कि 2047 तक जो है परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1,00,000 मेगावाट तक बढ़ाना है।
डिफरेंट डिफरेंट परमाणु ऊर्जा विभाग की योजनाओं के साथ में। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये टारगेट जरूर याद रखना। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है, तो 1,00,000 मेगावाट तक। अगली न्यूज है, भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा जो है विश्व कप 2024 का आयोजन 31 मार्च से 11 अप्रैल 2024 तक कहां पर किया जा रहा है, तो फुकेत थाईलैंड में किया जा रहा है। तो सबसे तथ्य पहला यही याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन जो विश्व कप हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, तो फुकेत थाईलैंड में हो रहा है। इसमें 2 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें एक नाम है विद्या रानी का, दूसरा नाम है मीराबाई चानू का। विद्या रानी देवी जो मणिपुर की निवासी है, इन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है, इसे आप लोग याद रखना। वही मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में कोई पदक नहीं जीता है, लेकिन इसके बावजूद भी मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन विश्व कप 2024 जो फुकेत थाईलैंड में हो रहा है, इसमें केवल 2 भारतीय खिलाड़ियों ने ही हिस्सा लिया, जिसमें एक है विद्या रानी देवी, दूसरी है मीराबाई चानू। विद्या रानी देवी ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता और मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में कोई पदक नहीं जीता, लेकिन इसके बावजूद भी मीराबाई चानू जो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन होगा उसमें क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आपको बताना है किस स्थान में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी रुड़की। तो इसका सही जवाब है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। देख लेते हैं इसकी डिटेल को। यहाँ पर जो जीन थेरेपी है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह जो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है कैंसर के इलाज के लिए, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार टी सेल थेरेपी। तो कार टी सेल थेरेपी क्या होती है, इसके बारे में भी जानना महत्वपूर्न है। कार टी सेल थेरेपी सेलुलर इम्यूनोथेरेपी इलाज का एक नया प्रकार है। इसमें उपचार के लिए टी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। इस उपचार विधि में टी कोशिकाओं को प्रयोगशाला में अनुवांशिक रूप से परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद ये परिवर्तित कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें प्रभावी ढंग से क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। अब ये जो टी सेल होती हैं, ये टी सेल प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट ये तथ्य हो जाएगा कि टी कोशिकाएं कैसी कोशिकाएं होती हैं, तो ये श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये संक्रमण पैदा करने वाले जो रोगजनक होते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवी तथा कैंसर कोशिकाओं जैसे हानिकारक कोशिकाओं व साइटोटॉक्सिस कोशिकाओं को पहचान कर उन पर हमला कर देती हैं, उन्हें नष्ट कर देती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कार टी सेल थेरेपी के बारे में आप लोग जान लीजिए। ये टी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है इस थेरेपी में। टी कोशिकाएं क्या होती हैं, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो संक्रमण पैदा करने वाले जो एंटीजन होते हैं और कैंसर कोशिकाएं जो हानिकारक होती हैं उनको पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी, जिसका नाम क्या है, कार टी सेल थेरेपी, इसका लॉन्च कहां से किया गया, आईआईटी बॉम्बे से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, उत्तराखंड सरकार हिम नदी झीलों के टूटने से उत्पन्न बाढ़, जिसे क्या कहते हैं, ग्लॉफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब ये ग्लॉफ क्या होता है, ये एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह चर्चा में क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य सरकार ने 2 विशेषज्ञ टीमों का हाल ही में गठन किया और दोनों टीमें राज्य में खतरे वाली 5 हिमनद झीलों के संभावित जोखिम का मूल्यांकन करेंगी। तो यह ग्लॉफ क्या होता है, यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लॉफ का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। यह एक प्रकार की बाढ़ होती है, हिम नदीय झीलों के जल को रोक कर रखने वाले प्राकृतिक तटबंध जैसे कि हिमोड़ की टूट जाने से अचानक और बहुत अधिक मात्रा में ढलान की दिशा में जल का प्रवाह होने लगता है। इसके कारण निचले इलाकों में प्रचंड बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जो हिमनदियाँ झीलें होती हैं उनके पानी को रोक कर रखा जाता है, लेकिन कभी कभी पानी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये हिमोड़ जो है वो टूट जाते हैं और अचानक जो है बहुत अधिक मात्रा में ढलान की दिशा में जल का प्रवाह होने लगता है, जिसके कारण जो निचला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर बाढ़ की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसे ही कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड। उदाहरण अभी देखा गया था अक्टूबर 2024 में कि सिक्किम का जो दक्षिणी क्षेत्र में लोहनक झील थी उसके टूटने से जो है ग्लॉफ की घटना घटित हुई। तो इस झील का नाम याद रखना, लोहनक झील कहाँ पर है, सिक्किम में है, और अक्टूबर 2024 में इस झील के टूटने से ग्लॉफ की घटना हुई थी। भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो 2019 की है, इसमें भी जो है ग्लॉफ को जलवायु संबंधी संभावित आपदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब भारत में जो ग्लॉफ है, जो हिमनदीय झीलों के टूटने से जो बाढ़ आती है, इसके लिए कई क्षेत्रों को यहाँ पर हाईलाइट किया गया और खासकर ये क्षेत्र जो है हिमालयन क्षेत्र है, क्योंकि हिमनदीय झीलें कहाँ पर बनेंगी, हिमालयन क्षेत्र में ही बनेंगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे हिमालयी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश इस ग्लॉफ की घटना में शामिल होते हैं। 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिकों ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि उत्तराखंड की
486 हिमनद झीलों में से 13 को जो है ग्लॉफ के खतरे वाला पाया गया है। अब जो ग्लॉफ होता है इसके कई कारण हैं, जैसे भूकंप, हिमोड़ बांधों का टूटना, अत्यधिक वर्षा, हिमनदियों का पिघलना या टूटने से हिमनदी क्रायोस्फीयर में जो भूकंप आता है उसके कारण से, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी कारण हैं ग्लॉफ की घटना से। तो आप लोग याद रखना, हिमनदी झीलों के टूटने से जो उत्पन्न बाढ़ होती है उसके संदर्भ में ये सभी तथ्य जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके मेंस एग्जाम के लिए भी। इस तरीके के फैक्ट को आपदा प्रबंधन में आप लोग कंसीडर करके लिख सकते हैं, बाकी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है स्क्रीनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है ये इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी की गई है। तो स्क्रीनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशंस टुवर्ड पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एनर्जी जो है किस तरीके से एनर्जी का अगर हम ग्रीन एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं तो जो भारत का नेट जीरो का लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने के संदर्भ में जो कोयले से जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं उससे अगर हम लगातार कोयले के द्वारा एनर्जी प्राप्त करते रहें तो जो नेट जीरो का लक्ष्य 2070 में प्राप्त करने में उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कुछ चुनौतियाँ बताई गई हैं नेट जीरो 70 के लक्ष्य को प्राप्त करने में एनर्जी के संदर्भ में, और उनको समाधान करने के लिए कुछ सिफारिशें भी इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। भारत का नेट जीरो का लक्ष्य आप जानते ही हैं कि 2021 में UNFCCC का जो COP26 बैठक हुई थी इसमें भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का अपना लक्ष्य रखा था। इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे ने भी 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इंपॉर्टेंट तथ्य आप लोगों को याद रखना है, ये रिपोर्ट और रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगली खबर है, हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति की पहली द्विवैसिक बैठक शुरू हुई। इस संदर्भ में आपको बताना है कि जो मौद्रिक नीति समिति होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं RBI के, तो इसमें 3 सदस्य जो है RBI के होते हैं और 3 सदस्य होते हैं सरकार के। टोटल कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, मौद्रिक नीति जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं, कब इसका गठन हुआ, यहां से लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं। तो मौद्रिक नीति समिति के बारे में देख लीजिए। और ये मौद्रिक नीति समिति बेसिकली रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, ये जो निकालती है मौद्रिक नीति समिति के द्वारा ही निकाली जाती है। तो इसमें 6 सदस्य होते हैं जिसमें से 3 RBI से होते हैं और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। RBI एक्ट के अनुसार मौद्रिक नीति समिति को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 4 बैठक करना आवश्यक है। मौद्रिक नीति समिति का जो अध्यक्ष कौन होता है, तो RBI का गवर्नर होता है। संशोधित RBI एक्ट अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के अनुसार 6 सदस्यों वाली एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जाती है। तो ये जो मॉनेटरी कमेटी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति समिति है, ये RBI एक्ट 1934 के तहत किसके द्वारा स्थापित की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें केंद्र सरकार 3 सदस्य नियुक्त करती है और 3 सदस्य जो है RBI से होते हैं। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, RBI का गवर्नर। यदि इन्फ्लेशन लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए ये जिम्मेदार है। पहली मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 29 सितंबर 2016 को। इंपॉर्टेंट ये तथ्य, यहाँ से लगातार क्वेश्चन जो है पूछते रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। तो मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में ये सभी तथ्य आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा का विषय बना रहा KSTAR की व्याख्या निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से करता है। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि ये दक्षिण कोरिया का एक कृत्रिम सूर्य है, इससे ये संबंधित है। KSTAR जिसका पूरा नाम क्या है, कोरिया सुपरकंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च है, दक्षिण कोरिया में एक परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे अक्सर कृत्रिम सूर्य के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन टेक्नोलॉजी में दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। दक्षिण कोरिया के आर्टिफिशियल सूरज जिसे KSTAR कहे जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर ने 48 सेकंड तक 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा करने का रिकॉर्ड बना लिया है। और ये जो तापमान है वो सूर्य के कोर तापमान से लगभग 7 गुना अधिक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारत द्वारा किस वर्ष तक भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने की योजना है, तो आपको यह प्रश्न का उत्तर देना है कि किस वर्ष तक भारत का पहला निजी क्षेत्र। तो ये जब पहला निजी क्षेत्र हो गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला निजी क्षेत्र है जिसके द्वारा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने की योजना बनाई गई है, तो ये वर्ष होगा 2029-30 तक। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। विदेश से पेट्रोलियम के आयात में बाधा उत्पन्न होने पर इन भंडारों से देश में उपभोक्ता द्वारा निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए भारत ने 2029-30 तक निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित पहली रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार
तैयार करने की योजना बनाई है। हम देख रहे हैं कि लगातार युद्ध की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम पेट्रोल को अन्य देशों से क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। तो ऐसा ना हो कि जब ऐसी कंडीशन कोविड आ जाए, रसिया यूक्रेन जैसे युद्ध शुरू हो जाए और जब आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाए, तो भारत का जो पेट्रोलियम भंडार है वो बना रहे, जिससे पेट्रोलियम के दामों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, उनके दामों में बढ़ोतरी ना हो, हमारे पास एक पर्याप्त भंडारण रहे। इसके लिए भारत ने पहली बार जो है निजी क्षेत्र द्वारा जो है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने की योजना बनाई। किस वर्ष तक? 2029-30 तक, याद रखना। इसकी जो निगरानी की जाएगी वो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा की जाएगी, इस तथ्य को भी याद रखना। हालांकि ऐसा नहीं है पहला जो है पेट्रोलियम भंडारण बनाया जाएगा, इससे पहले भी जो है भारत की निर्मित जो है कई पेट्रोलियम भंडारण है, जिसमें विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलोर और पादर कर्नाटक में इस तरीके के भंडार है। लेकिन ये सभी कैसे हैं? ये सभी सार्वजनिक है, सरकारी जो है भंडारण है। पहली बार जो है निजी क्षेत्र के द्वारा भी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण तैयार करने की योजना बनाई गई है 2029-30 तक, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अब इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपके पास केरल, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, केरल, गुजरात, तमिलनाडु या उड़ीसा। आई होप आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आज की करंट अफेयर्स की घटनाएं यहीं पर समाप्त होती हैं, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। अब हम लोग बीपीएससी 17वीं मेंस की भी क्लासेज हम स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी ओरिएंटेशन क्लास हमने आपको प्रोवाइड की है। जल्द ही आपको एक एसे मिलेगा, 2018 का जो एसे था, मूस मुटाई हैं, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, उस एसे के साथ हम लोग बीपीएससी मेंस की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहें, जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें। जो भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव, इसे लाइक करें, इसमें कमेंट करें और लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।